ये खबर तो बहुत ही गंभीर है दौलत राम, कि उस ससुरे दीन दयाल ने अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन लेकिन आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो बापू। मैं कसम खाता हूं बापू कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने आपको धोखा दिया। ये क्या है बेटा? परवाना। परवाना? ठाकुर ने जो धोखेबाजी की है उसकी पोल तो खुलनी ही चाहिए। अगर कोई शिकायत लिखाने आता है तो तुम लिखो, FIR लिखाना और शिकायत दर्ज कराना सबका अधिकार है। तो ये बात है। शाबाश। देखो बच्चों, क अक्षर से कबूतर बनता है ना, और ख अक्षर से खरगोश बनता है ना। क से कबूतर बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है, इसी तरह ख से खरगोश बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। अब देखो, क से सिर्फ कबूतर तो बनेगा नहीं, और भी बहुत कुछ बनेगा। अच्छा, अब तुम बच्चों में से कोई ये बताए कि क और ख से और क्या क्या बन सकता है, बोलो बोलो। जी कलम मास्टर जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ख से बनाओ। खटिया, खाद, खिचड़ी, खून, खेती, खट्टी, खच्चर, खट्टा, खाना पीना, खुजली, खांसना, खुसर पुसर, और ये यान? इसे हम सब खटमल कहकर पुकारते हैं मास्टर जी। आपने देखा सरिता जी, हमारे गांव के बच्चे कितने खुश हैं, कितना आनंद उठा रहे हैं। हाँ सरपंच जी, अगर पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे तो बच्चों की पढ़ाई में और दिलचस्पी बढ़ जाती है। वैसे हमारी संस्था का ये विश्वास है कि ना बच्चे ना बड़े बूढ़े पढ़ाई को एक बोझ समझे। ये बात तो आपने बिल्कुल खरी कही, लेकिन अफसोस इस बात का सरिता जी कि बच्चे तो काफी तादाद में आने लगे हैं, लेकिन उधर देखिए हमारे गाँव के बुजुर्ग, जवान, यहाँ तक कि बड़ी उम्र के विद्यार्थी बहुत कम संख्या में शामिल हुए। चिंतित तो मैं भी हूँ, लेकिन निराश नहीं। अब देखिए ना, इंसान जब बड़ा हो जाता है तो उसे हिचकिचाहट तो महसूस होती ही है कि वो बच्चों की तरह क्यों पढ़ने लगे, लेकिन हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश में तो कोई कमी नहीं आएगी सरिता जी, और वैसे भी मैंने प्रभुदयाल और दो चार आदमियों को प्रोत्साहित किया है कि वो गाँव के हर उम्र के आदमियों और औरतों को भर्ती करने की कोशिश करें, ताकि वो शब्द क्या नाम है उसका, वो प्रौढ़ शिक्षा। हाँ वही, जो प्रौढ़ शिक्षा का अभियान आप इस गांव में चलाना चाहती हैं वो पूरी तरह से सफल हो सके। दुश्वारियां तो कई आएंगी सरपंच जी, लेकिन जब तक आपके गांव के लोगों का सहयोग हमारे साथ है कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। लेकिन जितनी आशा मेरे मन में प्रभु दयाल ने जगाई थी उससे मुझे पूरी उम्मीद थी कि जल्द ही अच्छी मात्रा में गांव के बड़े बूढ़े पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन लगता है इस मामले में भी प्रभु दयाल कुछ खास कर नहीं पा रहा है। और सच बात तो यह है ताऊ जी कि आपकी बहुत इज्जत है गांव में, आप ठहरे बुजुर्ग, अगर आप पढ़ने लिखने लगेंगे तो छोटी उम्र के कई भाई बहन आपसे प्रोत्साहन पाकर पाठशाला जाने लगेंगे। भाई नहीं नहीं, मुझे तो कतई नहीं पढ़ना लिखना। बेटा जरा ये भी तो सोचो कि तुम किन को कह रहे हो पढ़ने लिखने को, अरे अब हम जैसे बूढ़े तोते क्या खाक पढ़ेंगे। अरे पार्वती बहन, तुम क्यों अपने आप को बूढ़ी कहो, अच्छी भली दिखे है। पता है जब बेटी की शादी की थी तो खुद दुल्हन लग रही थी। मौसी मजाक छोड़ो, सच बात तो ये है कि पढ़ना लिखना शुरू करना हो तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। बेटिया चल तेरी बात मान मिली, स्कूल भी जाएंगे, दिमाग भी खपाएंगे, समय भी बर्बाद करेंगे, पर फायदा क्या होगा? बुरा मत मानना मौसी, अभी अभी प्रभु दयाल ने इतना समय लगाकर आपको ये समझाया है कि पढ़ने लिखने के कितने फायदे होते हैं, और हमने ये समझाने की कोशिश की है कि प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ हम तरह तरह के काम धंधों की जानकारी भी देंगे, ताकि अपने फालतू वक्त में भाई बहन अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाए, और साथ ही तरह तरह के व्यवसायों के लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण भाई बहन ले लें तो इसमें फायदा ही फायदा है।
अरे भैया, हम तो ये जाने दूर के ढोल सुहाने ही लगे हैं। कौन सी ट्रेनिंग, कौन सा काम धंधा और कैसी आमदनी, सब बेकार की बातें हैं। तुमसे तो हमें बहुत उम्मीदें थी कि तुम ही। अब मैं ही क्या सरिता जी? तुम ही भाई बहनों को पढ़ने लिखने के लिए मनाओगे। लेकिन अब मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि ना तो मैं ही और ना ही हमारे दूसरे साथी लोगों को ये समझा पाए हैं कि पढ़ने लिखने में उनका फायदा है। लेकिन अनपढ़ रहकर उनको क्या नुकसान हो सकता है? तुम ये दृष्टिकोण उनके सामने क्यों नहीं रखते? आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहन जी। प्रभु दयाल, तुम ये क्यों भूलते हो कि तुम्हारे ही पिता अनपढ़ होने की वजह से कितने बड़े धोखे का शिकार हुए। यहां तक कि उन्होंने अपनी जान। आप ठीक कहते हो चाचा, यही बात लोगों की आंखें खोलेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे यह सिद्ध करना होगा कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, और साथ ये भी कि धोखा देने वाला बच नहीं सकता। प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरिता जी। अगर गांव के लोगों के सामने ये पोल खुल जाए कि ठाकुर और उसके आदमी अनपढ़ लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो उन्हें सजा मिल जाएगी। और दूसरा, इस बात से ये साबित हो जाएगा कि अगर इंसान पढ़ा लिखा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है इससे गांव के लोग बहुत प्रभावित होंगे। तो ठीक है सरपंच जी, इस काम के लिए मैं खुद प्रभु दयाल की मदद करूंगी। वकालत मेरा पेशा भी रह चुका है और आने वाले दिनों में इस इलाके के लोगों के लिए हम लोग एक लीगल एड सेल भी खोलने वाले हैं, तो समझिए वो काम भी अभी से शुरू हो जाएगा। योर ऑनर, मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहती कि प्रभु दयाल के पिता दीन दयाल ने धोखेबाजी का शिकार होकर आत्महत्या की। मैं बल्कि यहाँ ये साबित करना चाहती हूँ कि ठाकुर अवतार सिंह और उसका मुंशी और शायद उनके कुछ लोगों ने मिलकर न केवल दीन दयाल को ही धोखा दिया, बल्कि गांव के उन देहाती भाइयों को भी जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इस बात का कोई सबूत? ये 20 शिकायतें जो कि थाने में दर्ज है, और इनका विवरण आप थाने के FIR रजिस्टर में भी देख सकते हैं। और ये है उन FIRs की कॉपीज जो कि मैंने देहाती भाइयों से इकट्ठा की। जनाब, मिसेस चतुर्वेदी यहाँ मुद्दई प्रभुदयाल की वकालत के लिए हाजिर है, ना कि इन ढेर से देहातियों की। श्री महेश त्यागी ठीक फरमाते हैं योर ऑनर। वैसे शिकायत दर्ज करने वाले देहाती भाइयों ने वकालतनामा भरकर मुझे अपना वकील करना चाहा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ प्रभु दयाल के वकील के तौर पर पेश हो रही हूँ और इन FIRs को एज सपोर्टिव एविडेंस पेश कर रही हूँ, क्योंकि उन सबके साथ वही धोखेबाजियां हुई जो कि मरहूम दीन दयाल के साथ हुई थी। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ मिसेस चतुर्वेदी, आप अदालत में अपने कुछ गवाह पेश करना चाहती थी, उनको एक एक करके बुलाइए। ऑफ कोर्स योर ऑनर, मेरे पहले गवाह हैं इंस्पेक्टर रहमत खान। ठीक है, उन्हें बुलाइए। क्या ये बात दुरुस्त है इंस्पेक्टर रहमत खान कि जब आपने गांव वालों की शिकायतों को दर्ज करना मंजूर किया तो उसके साथ ही आपका यकायक तबादला हो गया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। वकील साहिबा गवाह से उसकी ओपिनियन कैसे ले सकती हैं? योर ऑनर, मैं गवाह से उसकी राय नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये बात सही है या नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, गवाह सवाल का जवाब दे। जी ये बात दुरुस्त है जनाब कि मेरा तबादला किया गया था, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं इस केस में काफी तफ्तीश कर चुका था और उसकी तह तक पहुंचने ही वाला था कि मुझे ट्रांसफर ऑर्डर्स दे दिए गए। इस गवाही के जरिए अदालत को प्रेजुडिस करने की कोशिश की जा रही है कि इस तबादले के पीछे भी कोई खास इंटेंशंस थी। माफ कीजिएगा, अदालत में कोई ना तजुर्बेकार जज इस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं कि उन्हें प्रभावित करने की गुस्ताखी की जाए। बहरहाल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर रहमत खान ने इसकी ओरिजिनल कॉपी, मेरा मतलब है कि दस्तावेज को, ठाकुर के मुंशी से हासिल कर इसे जब्त किया, मैं अदालत से इजाजत चाहूंगी कि इंस्पेक्टर रहमत खान इस पर अपनी राय पेश करें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ओवररूल्ड। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी राय क्यों नहीं पेश कर सकते मिस्टर त्यागी? गो अहेड मिसेस चतुर्वेदी। अदालत के हुक्म से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पेश करने की इजाजत दी जा चुकी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि इंस्पेक्टर रहमत खान इसे देखें और अपनी राय पेश करें। मिस्टर रहमत खान, आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। सर, अव्वल तो इस किस्म के कागजात को
आम तौर पर फोल्ड करके नहीं रखा जाता, और अगर उसे फोल्ड किया जाता है तो अंदर की तरफ फोल्ड किया जाता है, ना कि बाहर की तरफ। मुझे ये पता लग चुका था कि दीनदयाल ये कह चुका है कि उसने कभी किसी स्टैम्प पेपर पर अपना अंगूठा नहीं लगाया, तो इसलिए मुझे शक हुआ कि अंगूठा लगवाते हुए मुंशी दौलतराम ने जानबूझकर इस कागज के स्टम्प हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ दिया होगा, ताकि अंगूठा लगाने वाले को शक ही ना हो कि उससे किसी ऐसे कागज पर अंगूठा लगवाया जा रहा है जो किसी तरह का कानूनी कागज है। योर ऑनर, आप तो जानते ही हैं कि एक अनपढ़ इंसान उस तहरीर को कैसे पढ़ सकता है जिस पर उसे अंगूठा लगाने को कहा गया। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि दीनदयाल को धोखा दिया गया होगा? मिलॉर्ड, ये वकील साहिबा और इस गवाह के दिमाग की उपज है, इससे धोखेबाजी तो जाहिर नहीं होती। अदालत को यह जानकर ताज्जुब होगा कि लगभग इसी किस्म की शिकायतें इन एफआईआर्स में मिलेंगी जो गांव के दूसरे लोगों ने भी दर्ज कराई। आप चाहें तो मैं इन्हें पढ़कर सुना सकती हूँ। और यही नहीं, जिस तरह की धोखेबाजी दीनदयाल के साथ हुई, उसी किस्म की धोखेबाजियां गांव के दूसरे अनपढ़ लोगों के साथ भी हुई। मुद्दई प्रभुदयाल, तुम अदालत से कुछ कहना चाहते हो? जी, सिर्फ ये जज साहब कि मुझे यकीन है कि मेरे बापू ने जो कर्ज लिया वो रकम उस रकम का एक तिहाई भी नहीं थी जितना कि इन लोगों ने बताया कि मेरे बापू ले चुके थे। और बाद में जब मैंने बहीखाता देखना चाहा तो मुंशी ने मुझे दिखाने से साफ इनकार कर दिया। मुझे यकीन है कि हिसाब में हेराफेरी की गई और नकली कागज भी तैयार किए गए। और इसी तरह की धोखेबाजी उन लोगों के साथ भी हुई जिनकी शिकायतें मैंने अदालत में पेश की। योर ऑनर, अदालत ये हुक्म देती है कि ठाकुर अवतार सिंह के सभी बही खातों को अदालत में पेश किया जाए, और इसके साथ ही मुद्दई के वकील को यह हक देती है कि वो उन कागजातों की छानबीन कर जो दलीलें अदालत में पेश करना चाहती हैं वो पेश करें। लेकिन जज साहब, अदालत ने इस सिलसिले में अपना हुक्म जारी कर दिया है, बहस की कोई गुंजाइश नहीं। अदालत को यह पूरा यकीन हो गया है कि ना सिर्फ मुद्दई प्रभुदयाल के स्वर्गीय पिता के साथ धोखेबाजी हुई बल्कि गांव के अनेक अनपढ़ व्यक्तियों के साथ भी हुई। सही रकम लौटाने के बारे में फिलहाल दीवानी मुकदमा जारी रहेगा। इसके साथ साथ ही अदालत पुलिस को यह हिदायत देती है कि वो ठाकुर अवतार सिंह और उसके मुंशी दौलत राम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के मुताबिक उचित इल्जाम लगाकर फौजदारी मुकदमा दायर करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मोहन जी कि यहाँ के लोगों को अगर स्पष्ट तौर पर यह पता चल जाता है कि अनपढ़ होने की वजह से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है या हो चुका है, तभी वो भारी तादाद में पढ़ने के लिए इस पाठशाला में आएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रभु, गांव के लोगों की आंखें खुल जाएं, इसके लिए जो कोशिश तुमने और बतौर वकील सरिता जी ने की, इसकी तारीफ जितनी की जाए उतना कम है। लेकिन सरपंच जी, तारीफ के तो हम तब हकदार होंगे जब गांव का एक एक व्यक्ति तालीम हासिल कर लेगा, जिसके लिए आपके साथ साथ प्रभु दयाल भी वचनबद्ध है। और मैं पीछे नहीं हटूंगा चाचा। लेकिन प्रभु दयाल, ये मत भूलो कि गांव वालों को प्राथमिक शिक्षा देना ही हमारी योजना का पहला कदम है। इसके अलावा हमें और भी बहुत कुछ करना है। जी जानता हूँ, और उसके लिए भी मेरी सेवाएं हमेशा हाजिर रहेंगी। देखिए ठाकुर जी और मुंशी जी, फिलहाल आप दोनों जमानत पर रिहा हो रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि आप कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे। फौजदारी मुकदमा शुरू हो जाने दीजिए, उसके बाद आप दोनों जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। मैंने भी आप दोनों के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया है जितना पिछले थानेदार रहमत खान साहब बना रहे थे। अरे क्यों इन बुरी हड्डियों को तकलीफ दे रहे हो? अरे ताऊ जी, गांव के इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, अब आप ठहरे सबसे बुजुर्ग आदमी,
आपके बिना इस चर्चा मंडल को शोभा भी तो नहीं मिल सकती ना। चर्चा मंडल? चर्चा मंडल इस संगठन का नाम है ताऊ जी, जो कि गांव के उद्धार के लिए बनाया जा रहा है। चर्चा मंडल? अरे ये लोग बातचीतों और चर्चाओं से ही पेट भरेंगे क्या, या कुछ करेंगे भी? आइए आइए ताऊ जी आइए, आप भी पधारिए, बैठिए। बड़ी मुश्किल से लाया हूँ ताऊ जी को। अभी पूछ रहे थे कि इस चर्चा मंडल में लोग बाग बातें ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी। आप बुजुर्ग हैं अंकल जी। मेरा मतलब है ताऊ जी। मेरे ख्याल से सब लोग आपको यहाँ ताऊ जी कहकर ही मुखातिब होते हैं। नहीं नहीं बेटे, बेशक तुम मुझे अंकल जी कह के बुला लो, लगेगा कि मैं अनपढ़ गवार नहीं बल्कि एक खूब पढ़ा लिखा विद्वान हूँ। पर हाँ, ये मत समझ लेना कि बाकियों की तरह मैं भी तुम्हारी पाठशाला में जाना शुरू कर दूंगा। मैं तो अनपढ़ था और अनपढ़ ठीक हूँ। चलिए यूं ही सही, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपके सलाह मशवरा के बिना हम कोई काम चला पाएंगे। देखिए हृदयलाल जी, आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है कि बातों ही बातों में लोगों का पेट भर जाएगा। देखो, हमारे चर्चा मंडल का असली मकसद ये है कि हम गांव के लोग मिलकर बैठें और उस पर सोच विचार करें कि हम गांव की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। वैसे तो हमारी संस्था के इतने कार्यक्रम हैं कि उनका नाम सुनते सुनते आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम सब लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि गांव के भाई बहन बता सकें कि कौन से कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाए। मेरा मतलब है कौन सा काम सबसे पहले शुरू किया जाए। कौन कौन से? यानी बात ऐसी है ताऊ जी, ये हमारा काम सिर्फ भाषा को सिखा देना या पढ़ना लिखना सिखा देना यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारा मानना है कि पढ़ा लिखा आदमी वही है जिसका दिमाग हर तरह से खुला हो, जो अपने परिवार के उद्धार के लिए, अपने गांव के उद्धार के लिए, बल्कि अपने देश के उद्धार के लिए एक अच्छा काम कर सके। भाई गांव की तरक्की तो तभी होगी ना। भैया ऊंची ऊंची बातें मत करो, कुछ बताओ भी कि किस तरह के काम तुम इस गांव में शुरू करना चाहते हो। ठीक कहते हैं ताऊ जी। अरे भाई, जब तुम साफ साफ कुछ बोलोगे तभी तो ताऊ और हम सब मिलकर अपने सुझाव देंगे कि पहल किस काम की करनी चाहिए। जहाँ तक कमाई में बढ़ोतरी का सवाल है, अच्छी खेती बाड़ी, बहनों के लिए सिलाई बुनाई का काम, मुर्गी पालन, बढ़ई का काम, इस सब की ट्रेनिंग दी जा सकती है। लोग स्वस्थ रहें, गली मोहल्लों में अच्छा माहौल रहे, बच्चों की अच्छी देखभाल, हर नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं जिससे उसका शोषण न हो सके, इसकी जानकारी, इस किस्म के कई कार्यक्रम हम इस गांव में और आसपास के गांव में करवाना चाहते हैं, जिससे हमारे देहाती भाई बहन जागरूक हो सके। बेटे तुम्हारी फहरिस्त तो बहुत लंबी है, फिर भी मैं समझता हूँ कि पहले उस तरह के काम शुरू किए जाएं जिससे ये बच्चे अपनी कमाई में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर सकें। इस इलाके में गरीबी इतनी ज्यादा है बेटी कि यहाँ के लोग दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते। इसके बाप ने धोखा खाकर आत्महत्या कर ली थी और इसी गांव के एक नहीं तीन चार लोगों ने गरीबी से तंग आकर अपनी जानें दे दी। मत रो गंगोत्री। क्या हुआ इन बहन को, क्या हुआ? अब क्या बताऊं बहन जी, इस बेचारी के पति ने इन्हीं दिनों आत्महत्या कर ली थी। बेचारा न अपना पेट पाल सकता था, न ही बीबी बच्चों का। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा अपना गुजर कैसे होता है? गुजर कैसे होना है बहन जी, एक 8 साल का एक 10 साल का बेटा है, दोनों को साथ लेकर हल जोतती हूँ, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी हो जाती है। आंटी जी, आपने बताया कि बहनों के लिए भी सिलाई बुनाई का काम आप सिखाती हैं, तो क्या ये या कोई और दूसरे काम आप बहनों को सिखाने का प्रोग्राम शुरू नहीं करा सकती? क्यों नहीं बेटे, जरूर शुरू करा सकते हैं। सिलाई बुनाई का काम, अचार मुरब्बे बनाना, मोमबत्तियाँ बनाना, साबुन बनाना, इस किस्म के कई ट्रेनिंग प्रोग्रामों से हम महिलाओं को प्रशिक्षित करा सकते हैं और भाइयों के लिए भी कई किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवा सकते हैं। तो ऐसा कीजिए ना सरिता जी, 2-3 किस्म के ही सही, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप शुरू करवा दीजिए। मैं हूँ गिरधर गोपाल है, मेरी बहन मुन्नी है, इस सिलसिले में हमसे जो भी मदद चाहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। तो ठीक है बेटे, प्रभु जी ठीक कह रहा है, कुछ ऐसे कार्यों का श्री गणेश करा दो। शाबाश सोमनाथ, ठीक है बस इसी तरीके से करना है। अनवर अब तुम कोशिश करो। ठीक है जी। अरे रे, क्या हुआ? ठीक से करो भैया, हाथ काट लोगे ऐसे। ठीक है जी। हाँ ठीक, हाँ अब मैं समझ। अब ठीक है, शाबाश।
क्या हो रहा है भाई यहाँ? कारपेंटरी का काम सिखाया जा रहा है मुंशी, तुम भी सीख लो, काम आएगा। रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी चल रही है। किसान हल चला रहा है। किसान हल चला रहा है। बच्चों की माँ खाना परोस रही है। बच्चों की माँ खाना परोस रही है। रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी चल रही है। किसान हल चला रहा है। किसान हल चला रहा है। अरे मौसी देखो ना, सिलाई टेढ़ी हो रही है, इसे ऐसे नहीं सीते। रुको मैं बताती हूँ। अब चलाओ। बस रोक दो। ये देखो, इससे सिलाई भी सीधी हुई है और सफाई भी आ गई है। अरे वाह, तेरी बेटी तो बड़ी होशियार है लक्ष्मी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पढ़ लिख तो ये पहले ही गई थी और हम सब बहनों को सिलाई सिखाने के लिए खुद शहर जाकर ट्रेनिंग भी ले आई थी। देखना मौसी, कुछ ही दिनों में तुम मुझसे भी अच्छी सिलाई करने लगोगी। ठीक है बेटे, बर्तन मांजने से तो दर्जन का काम भला, इसमें कमाई भी ज्यादा और इज्जत भी ज्यादा। क्यों भाई दौलत राम, बड़े दुखी नजर आते हो। दुखी होने की तो बात ही है ठाकुर साहब। क्यों क्यों क्यों? अरे इस हवेली से बाहर निकलकर कभी आपने देखा है कि गांव में क्या हो रहा है? क्यों भाई क्या हो रहा है? गांव का नक्शा बदल रहा हुजूर, गांव का नक्शा। मैं समझा नहीं। माफ करना हुजूर, आप भी यहां पर जमानत पर रिहा होके बैठे हैं और आपका ये चाकर भी। तो तुम डर रहे हो कि कल मुकदमा शुरू हुआ नहीं और हम फिर अंदर, और वो भी हवालात में नहीं, सीधे जेल खाने में। अरे बेवकूफ, तू डर मत, बड़े से बड़े वकील कर रहा हूं, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, ना तुझ पर कोई आंच आएगी और ना मुझ पर। अरे ठाकुर साहब, पैसा तो आप पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन उसके बाद आपकी भी कंगाली शुरू और मेरी भी। अबे गधे, कैसी बेवकूफाना बातें कर रहा है, आखिर हुआ क्या है? अरे कहा ना श्रीवर, गांव का नक्शा बदल रहा है, गांव का नक्शा। अबे कुछ बोलेगा भी कि हुआ क्या? जनाब आधा गांव पढ़ने लिखने लगा है, पाठशाला में उम्र पड़ा है और परमात्मा की मार उन पर जो ये काम करवा रहे हैं। और क्या? और किसी को ट्रेनिंग देकर बढ़ई का काम सिखाया जा रहा है, तो किसी को मुर्गी पालन का धंधा सिखाया जा रहा है, और तो औरत जात ने तो क्या हुआ औरतों को? अरे बर्तन मांजने आया करती थी ना वो, क्या नाम है उस औरत का, गंगोत्री, आपके यहाँ? हाँ शायद। क्या बाती है वो यहाँ? मालूम नहीं, शायद नहीं, देखा तो नहीं उसे। हुजूर वो अब दर्जन बन जाएगी, दर्जन ठकुराइन के कपड़े सीने आया करेगी। अच्छा भाई देखा जाएगा। लेकिन हुजूर श्रीवर, आंखें खोलिए और ये भी सोचिए कि जिन जिन लोगों ने, गंगोत्री ने भी अपने अपने कामों के लिए औजार खरीदे हैं, सिलाई मशीनें खरीदी हैं, उनके पास पैसा कहां से आया? कहां से? आप इस बात पर गौर फरमाओ हुजूर कि जो लोग बाग घर में मुंडन करवाने के लिए भी यहां से कर्जा लेने आते थे, वो पांच पांच दस दस हजार की चीजें खरीदने के लिए आपके पास आए हैं क्या कर्जा लेने? अरे भाई अपना साहूकारी का काम तो वैसे भी लगभग ठप पड़ा है जब से ये पुलिस। ठाकुर जी अगर हम लोग केस जीत भी जाते हैं, जेल की हवा खाने से बच भी जाते हैं, तो भी अपनी साहूकारी तो गई, अब कोई ना आवे यहाँ कर्जा लेने। क्यों ऐसा क्यों? अरे हुजूर ये लोग जो इन गांव वालों को पढ़ना लिखना काम धंधे करना सिखा रहे हैं, वो इन्हें बैंकों से लोन भी दिलवा रहे हैं, लोन, और वो भी उससे आधे ब्याज पर जो हम इनसे लेते हैं। ये बात तो ठीक नहीं हो रही। अरे अपने साहूकारी के काम की तो बात ही छोड़ो, ये लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे, ज्यादा कमाने लगेंगे, तो यूं समझो कि गांव में तो खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी, और इसमें हमारा नुकसान ही नुकसान है। ठीक कहते हैं हुजूर,